शाहगंज में फर्जी क्लिनिक संचालित करने वाले झोला छाप डॉक्टर को अलग अलग धाराओं में 3 साल की सजा और 14,000 का जुर्माना। मंगलवार को अपर लोक अभियोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार लोवंशी की अदालत में सोमवार को शाहगंज में फर्जी डिग्री से क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर को अलग अलग धाराओं के तहत 3-3 साल की सजा के साथ 14,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामला शाहगंज नगर का है, जहां आरोपी पूनम चंद साहू एलोपैथी की डिग्री न होने के बाद भी एलोपैथिक इलाज कर रहे थे, जिसकी FIR बुदनी थाने में 9 मई को की गई थी। न्यायालय में सभी साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश से आरोपी को फर्जी डिग्री के साथ प्रैक्टिस करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। तत्कालीन BMO को भी काम में लापरवाही के चलते FIR कराने के निर्देश दिए हैं। क्या कहना है अपर लोक अभियोजक रामेश्वर यादव का, सुनिए आप भी। मतलब न्यायालय में आज फर्जी डॉक्टर को लेकर कुछ सजा सुनाई गई है, क्या कुछ पूरा मामला था और क्या कुछ सजा हुई है? ये बुधनी में अपर सत्र न्यायाधीश बुधनी श्री मनीष लोवंशी जी के न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। घटना 2015-16 की है। शाहगंज में ये SDM ब्रजेश सक्सेना जी को जानकारी मिली थी कि कोई डॉक्टर फर्जी तरीके से लोगों का इलाज कर रहा है, जबकि उसको एलोपैथिक इलाज करने का अधिकार नहीं था। उसकी जांच SDM के द्वारा की गई और SDM ने जांच में ये पाया गया कि उसके पास रजिस्ट्रेशन उसका फर्जी पाया गया, जिसके संबंध में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी को सूचना दी और मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा थाना बुधनी को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तत्कालीन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर श्री VV देशमुख को अधिकृत किया था और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी पूनम चंद के विरुद्ध धारा 420, 468, 471 और धारा 24 मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया और उसे 420 में 3 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना, 468 में 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना, 471 में 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना और धारा 24 मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान में 2 वर्ष का सश्रम कारावास। नाम सुभाष जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल समाज, धर्म पत्नी क्षमा जायसवाल, सभापति नगर पालिका पीथमपुर। हाँ, आप कहाँ से आए? हम लोग पीथमपुर से आए हैं। ये बताइए कि आप सलकनपुर पहली बार आए या हर बार आते हो? नहीं, हर बार आते हैं। क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ की मान्यता है कि माता रानी के दरबार में जो भी भक्त आता खाली हाथ नहीं जाता है। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। हम बचपन से ही, जब से हमने होश संभाला, हम माता रानी के दर्शन करने हर साल आते हैं और माँ सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करती है। मैं आज सह परिवार पीथमपुर से माता जी के दर्शन करने आया हूँ। मेरी पत्नी क्षमा जायसवाल, सभापति नगर पालिका पीथमपुर। हाँ, ये बताइए कि आप लगातार 40-45 साल से यहाँ आ रहे हैं, आपको यहाँ क्या परिवर्तन दिखा मंदिर में? यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिख रहा है। मंदिर सेवा समिति और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कर बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया और यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ वो कल्पनीय परिवर्तन है। कभी किसी ने सपने में भी ना सोचा था कि ऐसा परिवर्तन होगा। आज इतना भव्य मंदिर, इतना सुंदर मंदिर बनाया, इसके लिए मैं सलकनपुर ट्रस्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने माता जी का इतना अच्छा मंदिर बनाया, जिससे कि यहां पर आते भक्तजनों की हर मनोकामना पूरी होती है और उनको आने जाने में सुलभ सुविधा होती है, परेशानी नहीं होती है। जसवाल जी, ये बताइए, आप अभी तो शायद गाड़ी से आए होंगे लेकिन आप पैदल भी चढ़ेंगे, कितनी ऊंचाई पर देवी स्थित है? लगभग यहाँ पर 1500 सीढ़ी है और लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई है। हम पहले पैदल आते थे, बचपन से ही आ रहे हैं, तो पहले पूर्व में शुरू से हम पैदल ही आते थे, लेकिन 2007 में भी मैं गाड़ी लेकर